प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, पहले उनको ख्याल रखना आपको, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ नंबर वन, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, ये एक ही होता है। पब्लिक एम्प्लॉयज वही होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। पब्लिक जनरल में आते हैं, कोई भी जहां पे आपका टीचर होगा वहां पे 40 या 50 लोग उनको हिफाजत करना है, उनको खास निगरानी में, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या चीज होता है, जहां आप टीचर जा सकते। हॉस्टल एग्जाम्पल, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ठीक है ना। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हो या कॉलेजेस हो, ठीक है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज, मॉल, पार्क, वट एवर, एबीसी, समझा मेरी बात। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक बेटा, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रोटेक्शन ऑफ इन्फो, इन्फो पता है किस बोलते। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से और कंपनी की तरफ से आप सबको ढेर सारी मुबारक, ठीक है। आज जो हमारा सामने यहाँ पे जो जवान खड़ा है, ठीक है, जिसका नाम है मोहम्मद अशरफ शाह, ठीक है, फ्रॉम कोपरा लोलाब, जिसको हमने आज बीइंग एज ए अपॉइंटेड यहाँ पे किया, अपॉइंट एज ए सुपरवाइजर, ठीक है। आप सब लोग शायद मेरे घर में, आपको शायद पता होगा, शायद मैंने कूपन भी डाला कुछ देर पहले ऑर्डर का, ठीक है ना। तो हर एक पता होना चाहिए, अभी तक हमारे पास यहाँ पे 4 सुपरवाइजर था, ठीक है ना। अब वो एक आया, क्या नाम है इसका, ठीक है ना, 5वे कौन है, मोहम्मद अशरफ शाह साहब, ठीक है ना। तो इसका कोड नाम है शाह साहब, ठीक है, ओके। तो ये जो नया लोग है यहाँ पे, वो वाला जो हमारा नया, आप कट करवा, आप ध्यान रखो आप, ठीक है ना, ये आपके लिए, ठीक है ना, एक मिसाल है। जैसे कल आपने सिंपली आपने जो आप लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है ना, और आपकी जो अपोजिट दूसरी टीम है, हमारा जो सीनियर यहाँ पे है, सीनियर हेड गार्ड है, सीनियर गार्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब ये भी था एक दफा आपकी तरह वहां पे खड़ा थे वहां पे, ठीक है ना। तो आज वो भी दिन है जो आपके सामने यहाँ पे, ठीक है ना। इतना ही फर्क है, रूम एक ही है, ऑफिस एक ही है, लोकेशन भी एक ही है, लेकिन इतना ही फर्क है, बिजनेस में चेंज है, ठीक है ना। कल तक थे सीनियर से जूनियर्स गार्ड, आप आज सीनियर गार्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये दिमाग में रखना है कि जहां भी हम जाएंगे, चाहे कोई भी काम हो, हमें उस पर फोकस देना है। अगर हम कल किसी के घर में जाएंगे मजदूरी के लिए, जैसे अभी शादी के टाइम या सेब का सीजन चल रहा है अभी, ठीक है ना, हम जहां भी जाएंगे हमें फोकस देना अपने काम पे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो किसी जगह आप मुलाजमत कर रहे हो आप, या वट एवर कोई भी हो आप, ठीक है, कहीं भी आप जाओगे, ये ख्याल रखना कि हमें कहीं भी हमें रुपये 10 समय पर कमाना है वहां पे, ठीक है ना। हम अपने पेट के लिए जाते हैं वहां पे, ठीक है ना, घर वालों के लिए जाते हैं, माँ बाप है किसी पीछे, ठीक है ना, या किसी का बेटा घर में होगा, ठीक है ना, कोई शादीशुदा होता है। तो हमें ये सोचना है कि अगर हम मंथली रुपये 10,000 या 15,000 या 20,000 कमाते हैं, ये हमें घर में हमें डालने है किसी भी हालत में, क्योंकि घर में हम निकले किसके लिए, कमाई के लिए, ठीक है ना। लेकिन इतना ही फर्क है मजदूरी और इसमें, इतना ही फर्क है, ठीक है ना। ये भी मजदूरी है, ठीक है ना, ये नहीं सोचना, ये भी मजदूरी है, लेकिन अब फर्क होता है, डिफरेंट। एक मजदूरी वो होता है कि जो दिन भर जाता है हम किसी भी, मतलब किसी ठेकेदार के साथ या मेट के साथ, ठीक है ना, तो हमारे कंधे पे क्या होता है, टोकरी होता है, या किसी के मतलब वो बिलचा वगैरह वगैरह होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरफ मजदूरी, लेकिन इसमें इतना ही फर्क है, मैं इस वक्त चेयर पे हूँ, वो लोग खड़ा है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म लगा के आप मजदूरी कर रहे हो, जो दूसरा लोग है वो सेवल में कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इंसान वो भी है, हम भी इंसान है, ठीक है ना। लेकिन इतना फर्क स्टेट्स में फर्क है, स्टेट्स, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे आप 10 रुपये आप कम कमा सकते हैं, आप 10,000 आपका सैलरी यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप कहीं काम पे जाओगे, आप दिन डैडी का आप 500-600 रुपये ले लोगे, आप ले लोगे ना, आप ले लोगे नहीं बेटा। लेकिन यहाँ पे आपको 600 रुपये डैडी को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इज्जत मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आपको मिलेगी, जो सेहत, ठीक है ना। जब इंसान खुद ठीक होगा, सेहत ठीक हो, तब जाके हम कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। यही फर्क होता है एक मजदूरी में और एक नौकरी में, ठीक है ना। और जो भी आप लोग, जो हमारा सीनियर्स यहाँ पे है, हेड गार्ड यहाँ पे हमारा 3-4 लोग है, सुपरवाइजर 3-4 लोग है, सिक्योरिटी ऑफिसर, आप लोगों का फर्ज बनता है, जो हमारा शाह साहब भी है, ठीक है ना, उसको गाइडेंस करना है, ठीक है ना, इसको ब्रीफ करना है, उसको बताना कि सिक्योरिटी लाइन में कैसे चलना है, ठीक है ना, यहाँ पे कैसे हमें चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, ठीक है, कैसे सोना, क्या करना है, यहाँ पे किस प्रोसीजर हिसाब से यहाँ पे चलना है हमें, ठीक है ना। ये आप लोगों को फर्ज बनता है, ठीक है, इसको सिखाना है, ठीक है ना। जब इसने भी मेहनत किया, ठीक है ना, इसका क्वालिफिकेशन माशाल्लाह वो भी ठीक है, अच्छा खासा, इसका बॉडी लैंग्वेज भी ठीक है, इसका हाइट भी ठीक है, ठीक है ना। आज हमने इसको हायर किया, ये तो आपको सब बाखूबी, आप सभी लोग जानते हैं कि आज तक मेरे ख्याल में
दो साल में शायद, अभी दो साल होने वाले हैं, तीसरा साल होने वाले हैं अभी, हमें बाहर से कोई, बाहर से कोई नहीं लाया, ऐसे कोई एम्प्लॉय, कोई ऑफिसर हमें बाहर से नहीं लाया एक्सेप्ट यू दिस पर्सन, ठीक है ना। ये आज पहला बंदा है जिसको हमने डायरेक्ट प्रमोट किया सुपरवाइजर, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ क्या है, ठीक है ना, तो हायर अथॉरिटी का उनका मतलब डिसीजन, ठीक है ना, हम उसको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, हमें ओबे करना है, तो हमारा फर्ज बनता है इसको आज फाइनली स्टार लगाएंगे हम, ठीक है, और स्टार के साथ साथ इसके कंधे पे एक जिम्मेदारी होगा, ठीक है ना, उसको रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, वो काम वो उसको अंजाम देना है, ठीक है ना, जो भी इसको हम काम दे देंगे यहाँ पे, कौन सा इसको डिपार्टमेंट हम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, हमें क्या लगा हम आपस में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो भी सीनियर्स लोग यहाँ पे, ठीक है ना, मैं खुद डिसीजन नहीं ले लूंगा, पहले मैं आपके राय होनी चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे हेडगार्ड चार आठ लोग सीनियर्स गार्ड है यहाँ पे, दो तीन चार हमारा सुपरवाइजर यहाँ पे, ठीक है ना, इनसे हमें डिस्कस है, मिलके हम बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम एक डिसीजन लेंगे कि हम उसको हम कौन से डिपार्टमेंट दे देंगे, ठीक है ना, किस डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगे यहाँ पे। और मेरा यही एक गुजारिश है, ठीक है ना, आपको शाह साहब, जब भी कल से आप अपना सदारत यहाँ पे संभालोगे आप, ठीक है ना, एज पर जो प्रोटोकॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद पे फॉलो करना है, जो भी कंपनी का प्रोटोकॉल है, और जो भी इस कंपनी जहाँ पे इस वक्त हम तैनात है, जो भी यहाँ का अपार्टमेंट एंड इंस्ट्रक्शन है, वो हमें फॉलो करना है, यहाँ पे कोई बाई बंदी नहीं चलेगा, ठीक है ना, ड्यूटी करना ईमानदारी से, बेटा साइलेंट, ड्यूटी ईमानदारी से करना है, डिसिप्लिन मेंटेन रखना, हमें एक घंटे कम चाहिए ड्यूटी, मैं हर एक के लिए आदेश है, ठीक है ना, और आपको पता होगा मेरा यही आदेश होता है कि एक घंटा काम हमें कम चाहिए, लेकिन हमें डिसिप्लिन चाहिए, सेकंड इन वन, ठीक है ना, अपने काम पे फोकस दे दो आप, कोई सीनियर आपको मिलेंगे उससे सीखो, कोई जूनियर आपको मिलता है उसको सिखाओ, ठीक है ना, ये नहीं सोचता मैं ऑफिसर बन गया दूसरा बार में जाइए, दैट इज नॉट गुड, ठीक है ना, कल तक आप लोग थे गार्ड, आज हेड गार्ड है, कल तक ये लोग थे हेड गार्ड, आज सुपरवाइजर है, कल तक वो लोग था सुपरवाइजर, आज सिक्योरिटी ऑफिसर है माशाल्लाह, ठीक है ना, लेकिन कल तक ये बंदा भी था सिविल, लेकिन आज हमारा डिपार्टमेंट आया, ठीक है ना, अभी बेल्ट लगाए, यूनिफॉर्म लगाए, सारा कुछ, अभी इसको अवार्ड वगैरह ये भी मिलेंगे, सारा कुछ, ठीक है, जिससे मेहनत, ठीक है, आप भी मेहनत करो आपको फल मिलेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, बहुत बड़ी शिकायत भी है मेरे पास, कुछ लड़के जो लैम एक्सक्यूज क्या होता है कि जैसे किसी का ट्रांसफर होता है एन प्लेस टू अनदर प्लेस, ट्रांसफर एक कंपलसरी होती है, पार्ट आकर होता है, ठीक है ना, ट्रांसफर जो होता है, ट्रांसफर एक मतलब पॉलिसी जो होता है ना, यह जॉब मतलब पार्ट आकाशन में का तरह समझ, जैसे हम घर में होता है, ठीक है ना, हम 12 महीने घर में काम नहीं करते, अब कभी कभार हम 4, 6, 7, 8 महीने में जाते हैं, 8-9 महीने हम 2-3-4 महीने हम बाहर भी जाते हैं, ठीक है ना, या कहीं भी किसी भी मौके में जाओ, अब आज कोई अफसर यहाँ पे होगा 10 दिन 20 दिन 1 साल 10 महीने 2 महीने 2 साल के बाद कहीं वो चला जाता है वो, लेकिन उस टाइम हमें लैम एक्सक्यूज नहीं करना है, सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, हमें इस कंपनी का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे लिए बनाए, ठीक है ना, पसारा एक्ट 2005 सेक्शन 7 सेक्शन 13 सेक्शन 10 सेक्शन 9, ठीक है ना, सेक्शन 109, इन पे हमें फोकस देने की, ये हमें ये लॉ जो है ये हमारे लिए जो बना है लॉ, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए, जो सिविल सिक्योरिटी के लिए बना है ये लॉ, ये हमें क्या सिखाता है, इनको हमें फॉलो करना है, इनके पीछे हमें चलना है, ठीक है ना, यहाँ पे खुद की मर्जी से नहीं चलते, समझ आई मेरी बात, जो भी सीनियर्स जो भी सुपरवाइजर्स है, ठीक है ना, वो तब सुपरवाइजर बनता है जब वो उसके काबिल होता है, वो तब सुपरवाइजर बनता है जब वो मेहनत करता है, समझ आए मेरी बात, अगर कोई हेडगार्ड बनता है वो तब बनता है जब वो मेहनत करता है, ऐसे नहीं कोई आया घर मां की गोद से आया वहां से निकला तो दूध उसको काटा घर में तो यहां से स्टार लगा, ऐसे इतना सस्ता ये लोग स्टार नहीं है हमारे पास, समझ आई मेरी बात, ये एक जिम्मेवारी होता है, कैलकुलेट में इसका हम ट्रांसफर करेंगे किसी और जगह, भाई आपके पास 7 सिपाही है और एक आप जब चलाओ साइट, ठीक है ना, वहां पे दिखना चाहिए, वहां पे हमें दिखाना है अपनी एबिलिटीज, अपनी मतलब अंदर जो हमारे अंदर क्या है, हमें वहां पे दिखाना है वो काबिलियत, समझाए मेरी बात, ये आप समझो यहाँ पे इस वक्त 40-30-50 लोग आप ये आप समझो एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 3-4 लोग 5 लोग हमारे जो एक स्टार वाला है, 2-3-4 लोग है अभी 5 और आया जो 2 स्टार वाला है, एक है जो हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ पे, ठीक है ना, या सीनियर जो जिसको हम मतलब सीनियर सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं, ठीक है ना, अगर हम उस भाषा की बात करेंगे तो हेड कांस्टेबल जिसको हम हवलदार कहते हैं, ठीक है ना, पुलिस डिपार्टमेंट हम अगर वो नाम हम लेंगे तो हवलदार हेड कांस्टेबल, तो हमारे सिक्योरिटी लाइन में क्या कहते हैं सीनियर सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है ना, वो तब बनता है वो मेहनत कर जब मेहनत करते हैं वो, ये हमें खास ख्याल रखना है और अपना इज्जत का खास खास ख्याल रखना, दूसरों का भी इज्जत ख्याल रखना है, ठीक है ना, हम पे लेते हैं हमें इस पे काम करना है, ठीक है, हमें करप्ट नहीं होने चाहिए,
कल के कोई गेट पे आया, कोई गेट गाड़ी आया, हमने आईसी छोड़ा, किसने सिगरेट दिया, किसने रबिया दास दिया, आपने छोड़ा, डेट्स नॉट गुड, वो गलत है। कल नहीं तो आप जेल जाओगे, आप फंस जाओगे आज, ठीक है ना। इन पे हमें फोकस देना है। अगर हम 10,000 लेते हैं, हमें 10,000 का काम बराबर करना है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम 20,000 लेते हैं, हमें 20,000 का काम करना है बराबर, ठीक है। जिसके जैसे जैसे सैलरी है उसको वैसे ही काम करना है, समझाए मेरी बात। लेकिन ये रखना है, अगर कोई नया लड़का आपको मिलता है यहाँ पे, कोई नया हम हायर करते हैं, उसको सिखाओ, उसको ब्रेन वॉश करो, आप उसको ब्रीफ करो, भाई आपके घर में कोई प्रॉब्लम मत है, आपको खुद को कोई प्रॉब्लम मत है, कोई जहनी कमजोरी मत है, कोई और डिप्रेशन में आप मत आइए, ठीक है ना। ये हर एक मतलब अलग अलग बीमारी होता है, हर एक के पास होता है ना, हर एक के पास अलग अलग बीमारी होते हैं। किसी को कोई लड़की का मामला होता है, लबड़ा होता है, किसी को घर में कोई मतलब गर्ली का कोई मतलब प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। जिससे बहुत सारे रीजंस होते हैं ना, ठीक है ना। आप लोगों के पास हर एक के पास होना चाहिए। और कल से हम ये स्टार्ट करेंगे, हर एक का अलग अलग फाइल जो हमने लास्ट टाइम बनाया भी कुछ लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हर एक का अलग अलग फाइल बनेंगे, जिसका ट्रेवल हिस्ट्री उसमें हम पूरा मेंशन करेंगे, ठीक है ना। आपके जो भी बायोस डाटा उसमें मेंशन होगा, फिर जब आपका प्रमोशन होगा या अल्लाह बचाई नौबत बातें कि कल के डेट में किसी का चार्जशीट लगता है, ठीक है ना, तो वो भी जाएंगे उसी फाइल में, ठीक है ना। उस फाइल का क्या होगा, पर मंथ हमें भेजना है वो हेड ऑफिस चेकअप के लिए, समझे। और वहां आएंगे फिर वापस, वहां पे 3-4 लोग, चेयरमैन सब होगा, डायरेक्टर होगा, वाइस डायरेक्टर होगा, बाकी जो भी एचओडीज वगैरह वो मिलजुल के 4-5 जो एचओडीज ऑफिसर्स होगा वहां पे, वो देखिए उसको इनका आप लोगों का रिकॉर्ड, ठीक है ना, ये लोग कैसे चल रहा है, ठीक है, इनका करेक्ट कैसे है, ठीक है, ड्यूरिंग ड्यूटी इसका इनका सर्विस कैसे रहा, इनका बिहेवियर कैसे रहा, समझ आई मेरी बात। और सेकंड मंथ एक सिक्योरिटी गार्ड देखना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए वो नॉलेज, समझ आए मेरी बात, होना चाहिए वो। अगर कोई थर्ड पर्सन आपको देखेंगे यहाँ पे, उसको ये पता चलना चाहिए कि ना भाई यहाँ पे सिक्योरिटी खड़ा है, अगर वो जिसका गलत काम कर दिन में कर नहीं, ये हमें पता होना चाहिए। वो जहां आप इस वक्त तैनात हो यहाँ पे, जितना भी नया लोग है अभी नया है सीख जाएंगे, लेकिन जो आप लोग है सीनियर्स, इनका काम है, खासकर जो ऑफिसर्स लोग है, इनको सिखाओ यहाँ पे कितना गाड़ी है हमारा, जो हमारा खुद का स्टाफ का है, किस गाड़ी का क्या नंबर है, आपके पास होना चाहिए पूरा प्रूफ, यहाँ पर कौन कौन से एचओडीज है आपको पता होना चाहिए, हमारा सिक्योरिटी लाइन में कौन ऑफिसर किस रैंक पे है, किसका क्या कैसे पावर है, समझ में। हम डायरेक्ट हेड ऑफिस कॉल नहीं कर सकते, ब्रांच ऑफिस कॉल नहीं कर सकते, ठीक है ना, एक्सेप्ट जो भी सीनियर मैनेजर वट एवर, ठीक है ना। इस बात का खास ख्याल, कभी कभार हमारे पास बहुत सारे जो कंप्लेंट आए कि फलाने फोन किया, जब इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है ना, उस बारे में कोई सर मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे पास पूरा प्रूफ होता है, ठीक है ना। दो बात याद रखो, आप हर मामले में कंप्रोमाइज करूंगा, कहीं आपको छुट्टी जाना मैं छोड़ू, चलो कोई बात नहीं, 4 दिन 5 दिन इसको छोड़ूंगा, ठीक है ना। सर मुझे एडवांस चाहिए, चलो 1,000 नहीं 500 दे दो, चलो 10,000 नहीं 5,000 दे दो, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। सर मुझे गेट पास चाहिए, चलो 2 नहीं 3। लेकिन एक बात कान खोल कर सुनो, झूठ से मुझे नफरत है, झूठ से, जिसने मेरे सामने झूठ बोला है, ये नहीं सोचना कि हमें छोड़ेंगे, वो अपने आप का खुद जिम्मेदार है। कभी भी मुझे झूठ नहीं बोला, किसी भी ऑफिसर के पास, चाहे कोई ड्यूटी हो, चाहे आपसे एक दिन हो, एक दिन सीनियर हो, उससे भी झूठ नहीं बोलना, समझाए मेरी बात। जिस दिन आपने झूठ बोला, आप समझो कि आपका लाइफ बर्बाद होगा, आपका करेक्ट, आपका जो जमीर वो मर गया। क्यों? अगर एक बार आपने झूठ, आपको एक आदत बन जाएगा, समझाए मेरी बात। ये जो आदत होता है ये सबसे बैड होता है, लेकिन जिस दिन आपने छोड़ा झूठ, आप समझो आप कामयाब होगा जिंदगी में। झूठ कभी नहीं बोलना है, चाहे गलती हो चाहे कुछ भी हो। और दूसरी बात, हर एक गार्ड को पता होना चाहिए एक सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है। सिक्योरिटी गार्ड वन पर्टिकुलर तारिक साहब वट एवर ABCD, मैंने एक का नाम लिया, सिक्योरिटी पर्सनल, उसमें कौन आता है? होल आता है, ठीक है ना। सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत सारे बूथ है ना, ये आपको चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां भी हो आप, हॉस्टल, मॉल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, वट कहीं भी आप, जहां भी आपका ड्यूटी होगा कल के डेट में, 3 पॉइंट याद रखना। 3 पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक प्रोटेक्शन, पब्लिक कौन है? हम, मैं, आप, ठीक है ना। पब्लिक के अंदर कौन है? पब्लिक शॉक जनरल, पब्लिक पब्लिक में कौन आता है? हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं ना, बुद्धिज्म भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आता है, सिखिज्म, सारे हर कोई मजहब आता है पब्लिक, ठीक है ना। हमने पढ़ी लिखी नाम मत लिया, पब्लिक हर एक, और पब्लिक पे एम्प्लॉय भी आता है,
एम्प्लॉय हम लोग है ना, पब्लिक में मास्टर्स भी आते हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी आते हैं, आर्मी ऑफिसर्स भी आते हैं, व्हाटएवर, मजदूर भी आता है, चौकीदार भी आता है, मोची वाले भी आते हैं, हर एक आते हैं ना, हर एक को रिस्पेक्ट देना है। लेकिन अभी फॉर एग्जाम्पल आपके लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जहां पे आप इस वक्त ड्यूटी हो यहां पे, ठीक है ना, तो यहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज है, 1000-2000 हो गए ना, डेढ़ मतलब 1500 तक हो गए ना यहां पे। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक, मैंने आपको फार्मूला दिया, क्वेश्चन पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, पहले उनको ख्याल रखना आपको, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ नंबर वन, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, ये एक ही होता है, पब्लिक एम्प्लॉयज वही होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए भी बोल रहा हूं, ठीक है ना। पब्लिक जनरल में आते हैं, कोई भी जहां पे आपका ड्यूटी होगा वहां पे 40 या 50 लोग उनको हिफाजत करना है, उनको खास निगरानी में, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या चीज होता है, जहां आप ड्यूटी हो जहां से, हॉस्टल एग्जाम्पल, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ठीक है ना, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हो या कॉलेजेस हो, ठीक है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज, मॉल, पार्क, वट एवर, एबीसी, समझा मेरी बात, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक बेटा, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रोटेक्शन ऑफ इन्फो, इन्फो पता है किसे बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन, जो भी राज सिक्योरिटी के अंदर, सिक्योरिटी वो चीज होता है जिसके पास हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक चीज का राज होता है, समझा मेरी बात, ये मेन का अच्छा पूछ, मेन का अच्छा सहमत छोड़ते, मेन का से सिक्योरिटी के पास हर एक राज होता है कि नहीं, सिक्योरिटी कैसे बेस ना स्कोर, समझ आए बात, अगर बुरा खबर हो या अच्छी हो, हमें दोनों फॉरवर्ड करना है, लेकिन किनको करना है, सीनियर्स को, ऑफिसर्स को, निके अदर्स, थर्ड पर्सन किसी को हमें नहीं बोलना है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो भी होगा, जाहिर होगा, कोई भी फॉरवर्ड होगा, यहां पर दफनाना चाहिए, समझ आए मेरी बात, किसी थर्ड पर्सन के कान में नहीं घुसना चाहिए, वो बात समझाए मेरी बात, जिस दिन वो दरवाजे के बाहर, गेट के बाहर बात हुई, ये समझो पूरा पलटून का पलटून खत्म, समझाए मेरी बात, इनका छतरा समझ, ये बात रखना, क्यों ना आप कहीं भी किसी भी इदार में आप हो डिप्लॉय, लेकिन ये याद रखना, यू बेटा आप ठीक हो, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, आप ठीक हो, फिट है, मिस फिजिकल फिट है, घर जाओगे, तो ये याद रखना, जहां भी आप ड्यूटी हो, खास इन तीन चीजों का आपको खास ख्याल रखना, समझ आए मेरी बात, ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए नहीं, ये सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए भी, ये चीफ के लिए, ये असिस्टेंट के लिए, जो भी सिक्योरिटी लाइन में हायर अथॉरिटी और लोअर अथॉरिटी जो भी आता है, ठीक है, सीनियर्स और जीनियर्स, हर एक के लिए ये हमें दिमाग में होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी थर्ड पर्सन को अपना राज नहीं बताना, ठीक है, समझाए मेरी बात, राज को राज ही रहने दो, ठीक है, समझाए मेरी बात, चाहे कहीं भी हो, अगर क्यों ना, अगर कल की डेट में आपके माथे पे कोई हथियार बैठेंगे, लेकिन फिर सिक्योरिटी किसको कहते हैं, अगर आपने अपनी राज, समझाए मेरी बात, समझाए मेरी बात, ये याद रखो बेटा, और हर एक गार्ड के पास प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, कोई लैन एक्सक्यूज नहीं चलेगा, किसने भी गलती से कोई भी मिस्टेक किया, उसका जगह कहाँ है, गेट के, गेट के बाहर, समझाई मेरी बात, गेट के बाहर, और अगर किसी भी टाइम आपको कोई प्रॉब्लम, कोई बीमार पड़ जाता है, कोई किसी को घर में कोई भी प्रॉब्लम, यू टॉक टू डायरेक्टली कंसर्न इंचार्ज, जो भी आपका चाहिए वो आपसे एक दिन सीनियर हो, सीनियर गार्ड हो, हेड गार्ड हो, ऑफिसर की बात, समझाई मेरी बात, उनसे शेयर करो, सर मेरे घर में ये प्रॉब्लम, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, देन वो फॉरवर्ड करेंगे आगे हायर अथॉरिटीज, हम एक्शन ले लेंगे, समझाए मेरी बात, जितना हमारा हाथ में होगा उतना हम करेंगे इंशाल्लाह, और मैं पूरा उम्मीद है पहले आला, ठीक है ना, ऊपर वाले पे, उससे पहले, उसके बाद खुद पे हम वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, समझाए मेरी बात, लेकिन मुझे दो काम चाहिए, डिसिप्लिन और वर्क, न फारूक साहब किसका शिकल देख रहा है, न मुझे किसका शिकल चाहिए, न मुझे किसी का क्वालिफिकेशन चाहिए,
ना मुझे वो बंदा चाहिए कोई किसका बंदा है, ना मुझे वो बंदा चाहिए ना मैं वो देखता हूं कोई किस घर से बिलोंग करता है, कोई किस कास्ट से बिलोंग करता है, कोई मीर हो बट हो रतर हो व्हाट एवर बोची हो गनाई कोई भी हो हजाम हो, मेरे लिए सब एक जैसे। समझाई मेरी बात? यहां पर अब सब आपस में भाई भाई हो, समझाई मेरी बात? अगर आपको लगा है कहीं ना कहीं हमारा साथी कहीं पे भी, समझाई मेरी बात, बीमार पड़ गया या कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम होगा, तुरंत उठाओ उसको कंसर्न ऑफिसर कंसर्न पोस्ट है उसको ले लो, आगे इन्फॉर्म करो साहब ये बंदा बीमार पड़ गया, इसको कुछ प्रॉब्लम है सर, उसको तुरंत हम ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। समझाई मेरी बात? अगर आपने ये सोचा मार रहे तो बाढ़ में जाए, मेरा नंबर आगे आएंगे, उसका नतीजा ये है आप लोग दिन बदल पीछे जाओगे। समझाई मेरी बात? तो फाइनली अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो इतना ही काफी है ना? तो बेटा आप भी मेहनत करो, ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद रखो, मेहनत करो, बहुत आगे जाओगे, ठीक है। एक घंटा कम चाहिए काम, डिसिप्लिन, ठीक है, और सीनियर का सलाम करना। समझाई मेरी बात? जो भी सीनियर हो, ये नहीं सुनी कि फारूक साहब आया साहब सलाम वालेकुम, नो, मेरे से ज्यादा आ जाती है नहीं है ना, इसको कर लो आप, वो फिरोज साहब है ना इसको कर लो आप। और ये नहीं सोचना कि किसी वक्त सर ने किसी ऑफिसर को डांटा तो उसको मतलब ये नहीं कि आप शराफत को नाजायज फायदा उठाओगे, नो। समझाई मेरी बात? ये हमारा काम है, हमें कैसे करना है, कैसे चलाना है, हमें पता है क्या करना है। समझे मेरी बात? जो कोई गलत करेगा उसको सजा भुगतना पड़ेगा। समझाई मेरी बात? तो इस चीज का खास खास ख्याल रखना। तो कोई किसी को आपसे वो एक दिन भी सीनियर हो, समझाई मेरी बात, ताजीब सीखो। समझाई मेरी बात? आप कहीं बाजार से नहीं लेना है 20-50 रुपए का, ठीक है ना? तो इस बात का खास खास ख्याल रखो आप। समझे मेरी बात? अब्दुल गनी है यहाँ पे गन साहब, आके भाई यहाँ पे आकिब साहब, लेकिन आकिब साहब को पहले खुद पे अपने आप में चेंज लाना है। समझाए मेरी बात? अगर आकिब साहब ने सुपरवाइजर को बोला डायरेक्टर नाम, तो जो उसका नीचे वाला जनरेशन वो क्या बोलेंगे, वो भी बोलेंगे डायरेक्टर। ये चेयर रिएक्शन होता है, ठीक है ना, सीढ़ी होता है, लेकिन पहले आप खुद सीखो सीढ़ी पे चलना, ठीक है ना, उसके बाद आप दूसरे को बोलोगे, उस दूसरे को सिखाओगे आप सीढ़ी पे कैसे चलना, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, क्लोज।